वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम फ्यूचर रिटेल स्टॉक के बारे में बात करेंगे। तो सभी जन जाते हैं कि फ्यूचर रिटेल में ट्रेडिंग को रेस्ट्रिक्ट किया गया है, किस वजह से किया है वो भी सब जन जाते हैं, क्योंकि कंपनी ने जो डेब्ट लिया था वो डेब्ट फिर से नहीं दे पा रही कंपनी। तो उसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले कि कितना ऐसा डेब्ट है जो कंपनी नहीं दे पा रही है, और देख सकते कि कौन से साल से कंपनी लॉस पा रही है और कितना लॉस पा रहे हैं वो भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिए। तकरीबन देख सकते कि कंपनी में रिसेंटली देखा जाए तो ट्रेडिंग को रिस्ट्रिक्ट किया गया, क्योंकि आईबीसी के तरफ से ट्रेडिंग को रिस्ट्रिक्ट किया गया, इंसॉल्वेंसी बैंक करप्टसी के तरफ से, क्योंकि कंपनी यहाँ पे देख सकते कि जो डेप्ट लिया था वो फिर से नहीं दे रहे। तो रिसेंटली न्यूज के ऊपर कोई अपडेट नहीं दे रहा है, पर रिसेंटली हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे नजर डालेंगे बैलेंस शीट के ऊपर। तो बैलेंस शीट के ऊपर नजर डाली जाए तो कंपनी का जो डेप्ट है वो दिसंबर 2012 के दिन यहाँ पे देख सकते 627 करोड़ का डेप्ट लिया था। तो वहां से देख सकते कि डेप्ट जो कम हो भी हो चुका था, फिर से डेप्ट लेना चालू हो गई कंपनी, और बढ़ते बढ़ते यहाँ पे हर साल बढ़ने लगा डेप्ट। यहाँ पे 2017 से देखा जाए तो हर साल कंपनी का जो डेप्ट था वो बढ़ चुका था, और वही रिसेंटली देखा जाए तो 13,811 करोड़ का डेप्ट हो चुका है सितंबर 2021 में। मीन जो डेप्ट है वो कंपनी नहीं दे पा रही। कंपनी का जो यहाँ पे बाकी के प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट देखा जाए तो देख सकते कि तकरीबन कंपनी लॉस 2021 मार्च 2021 में कंपनी ने लॉस खाया था 3,160 करोड़ का। उसके पहले कंपनी को हल्का प्रॉफिट, कभी ज्यादा प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा था, पर देख सकते कि 2016 से प्रॉफिट में थी कंपनी, उसके पहले लॉस में थी। अभी रिसेंटली देख सकते फिर से कंपनी लॉस में जा रहे। मार्च 2022 का तो रिपोर्ट यहाँ पे नहीं दे रहा है, पर रिसेंट ईयर में 4,425 करोड़ का लॉस पाई है कंपनी। तो देख सकते कि हर क्वार्टर में भी यहाँ पे कंपनी लॉस दे रही है। दिसंबर 2021 के को कोई क्वार्टर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। मीन्स कंपनी देख सकते कि तकरीबन मार्च 2020 से यहाँ पे कंपनी लॉस में जाती हुई नजर आ चुकी है। तो ये था लेटेस्ट अपडेट फ्यूचर रिटेल के लिए।